राजनीति की कसमकस और टिकट के लिए उधेड़बुन मध्य प्रदेश की सभी पार्टियों में चल रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विद्युत ऊर्जा मंत्री, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी। यहाँ पर उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार 9 बजे से लेकर 11 बजे तक के उनके प्रोग्राम हैं। आचार संहिता लगने का इंतजार कर रहे हैं, उससे पहले ही ये पूर्व में ही अपने सारे जितने निर्माण कार्य की जो भूमि पूजन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। नमस्कार सर, आप 9 बजे से आपके भूमि पूजन के प्रोग्राम हैं और मैं समझता हूँ कि 11 बजे तक लगभग मेरी जानकारी के अनुसार प्रोग्राम है, क्या कहेंगे सर? ये जो काम स्वीकृत हो गए हैं, ग्वालियर विधानसभा में इतने कार्य स्वीकृत हुए हैं कि मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और सांसद विवेकनाथ सुजेकर जी और पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ कि सारे विकास कार्य हो गए हैं। एक मर्यादा है, समय की कमी है, आचार संहिता की मर्यादाओं का ध्यान भी रखना है, तो इसलिए ये भूमि पूजन आज रात को 11 बजे तक करेंगे और कल लगभग 75 करोड़ के भूमि पूजन श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 12:30 बजे सागरताल रोड पर मल्टी के पास में आकर के, एक वहाँ पे अनुभागीय कार्यालय और तहसील कार्यालय और हमारा जनकताल, अन्य ऐसे बड़े कामों का कल भूमि पूजन करेंगे। चुनावी जैसे ही सियासत गरमाई वैसे ही आपके भूमि पूजन के जो कार्य निर्माण की जो गति वो बढ़ने लगी। इससे पुरानी फेरिस्त को हम अगर देखें तो उससे पूर्व में बीच में आपका जैसे शासन का रवैया ऐसा था कि अभी तक कोई ज़्यादा कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनावी आपकी जो गलियारों में जैसे ही व्यवस्था हुई कि चुनाव आने वाले हैं, तुरंत आपके शासन से निर्देश जारी हो गया कि भूमि पूजन किया जाए, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप ये देखिए, ये बात ग्वालियर विधानसभा में विशेषकर बात कर रहा हूँ कि हर महीने विकास यात्राएं लगा करके जिनके हमने भूमि पूजन किए हैं उनके हमने लोकार्पण भी किए हैं। उदाहरण के लिए अगर बिरला नगर प्रसूतिगृह का हमने भूमि पूजन किया तो लोकार्पण भी कर रहे हैं। बिरला नगर हमारा सिविल हॉस्पिटल का हमने भूमि पूजन किया तो लोकार्पण कर रहे हैं। हमने मनोरंजनालय का भूमि पूजन किया तो उसका लोकार्पण भी किया। हमने बिरला नगर से राठौर चौक तक रोड बनाई उसका भूमि पूजन किया तो लोकार्पण भी किया। किला गेट से हजीरा और किला गेट से फूलबाग रोड का भूमि पूजन किया तो उसका लोकार्पण भी किया। तो मैक्सिमम जो हमने पटेल स्कूल का भूमि पूजन किया तो कार्य दिख रहा है। हमने जो काम किए हैं इतने, इनकी मंजूरियां अभी हुई हैं। लगातार ग्वालियर विधानसभा बदल रही है, सप्त प्रताप आश्रम से कोटेश्वर मंदिर, जेल रोड से बोड़ापुर, बोड़ापुर से कटी घाटी तक का काम तेज गति से चालू, तो ये सनातन धरातल पे काम दिख रहे हैं और ये सब देख भी रहे हैं, उसका लोग आनंद भी ग्वालियर की जनता ले रही है। ये मेरा मैं आपको बता दूं कि इतने ही विकास कार्य के भूमि पूजन हो रहे हैं, भूमि पूजन जिनके हो रहे हैं उनकी स्वीकृतियाँ हो गई हैं, उनके टेंडर हो चुके हैं, उन्हीं और बजट में उनका प्रावधान है, उन्हीं कामों का भूमि पूजन हो रहा है और उसकी विधिवत स्वीकृतियाँ हैं। ये जो निर्माण कार्य की जो शैली है, जो मानक से निर्माण हो रहा है, हमारी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार ये जो मानक जो उपयोग किया जा रहा है वो एक स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है, आप क्या कहेंगे? उसकी जहाँ नहीं है उसकी जांच कराई है। जैसे इस रोड पे बैठे हो, ये अभी रोड हमने चंद दिन पहले भूमि पूजन किया था, आज इसका हम लोकार्पण भी कर रहे हैं, तो ये रोड बन के तैयार हो गया आपके सामने। रहमत नगर में बैठा हूँ, आज रहमत नगर में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का भूमि पूजन कर रहे हैं। अभी हम गरगज मंदिर पर एक सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करके आए हैं। एक 8 नंबर लाइन में एक मंदिर के पास जो है हम वहाँ पे एक सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करके आए हैं अभी, तो ये काम तेज गति के साथ शुरू हो रहे हैं। आप नीचे विराजमान हैं इस फर्श पर, क्या आपका जो राजनीतिक सफर है ऐसे ही जारी रहेगा? जिस दिन से शुरू हुआ है पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, सत्ता में रहे हैं, ये सेवक है सर प्रद्युम्न सिंह। अभी चुनाव की जो लड़ाई है वो टफ रहेगी इस साल 2023 में? प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव ना कभी, 4 चुनाव लड़ चुका है, ना कभी लड़ा। ग्वालियर की जनता चुनाव लड़ी है और ग्वालियर की जनता इस बार भी चुनाव लड़ेगी। मेरा प्रश्न है टफ रहेगा, टफ
मेरा कहना स्पष्ट है, ये चुनाव ग्वालियर की जनता लड़े, जनता वर्सेज अगर जो बता रहे हैं वो टफ रहेगा। हमने क्या कहा, ग्वालियर की जब जनता जनार्दन लड़ेगी तो टफ काहे का रहेगा। क्वेश्चन और भी बाकी है सर, अभी जो रणनीति पार्टी अपना रही है, पहला जो मेरा प्रश्न है रणनीति से संबंधित, अभी कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठतम नेता, शीर्ष नेतृत्व के नेता, जिनको अपने सिपा सलार के रूप में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी मानते हैं, उनको विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा की है और टिकट भी मंजूर कर दी है, ऐसी क्या नौबत आ गई कि बीजेपी को एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय लेवल के जो सशक्त नेता हैं उनको चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ी? ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी वरिष्ठ लोगों को टिकट दे करके उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहती है। कहीं डर तो नहीं है सर? कोई डर नहीं, कमल खेलेगा 2023 में। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा से, आपके समकक्ष आपसे सीनियर भी हो सकते हैं, आपके बराबर भी हो सकते हैं, समान नेतृत्व की क्षमता वाले नेता लोग टिकट की लाइन में, कैसे पार्टी को असमंजस हो सकता है कि टिकट वितरण आपको या अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं जो आपके समक्ष खड़े हैं, सीनियर भी हो सकते हैं एक दो साल आपसे और समान तरीके से काम कर रहे हैं और अन्य राज्यों के प्रभार भी उनके पास हैं, कैसे निर्णय ले, क्या पार्टी को असमंजस होगा इस बात को टिकट देने के लिए? पार्टी का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, जिस संगठन का निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? मैं सबको मान्य होगा, मैंने क्या कहा आपको? तो ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट 24। नमस्कार, धन्यवाद। आराम से कर रहा हूं।